खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां स्वर्गीय भोला कामती के पुत्र अनिल कामती, जो दरभंगा जिला का रहने वाला था, 21 तारीख को पवन एक्सप्रेस से अपने परिजनों के साथ साधारण बोगी में बैठकर मुंबई जा रहा था। तभी बैठने के क्रम में एक अज्ञात यात्री से धक्का मुक्की और मारपीट हुआ। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन खुली, जब ट्रेन छपरा कचहरी रेलवे स्टेशन पार कर रही थी तो अज्ञात यात्री द्वारा पुनः झगड़ा शुरू हो गया। उसी क्रम में लोहे के एक नुकीले तेज हथियार से प्रहार कर यात्री मृतक अनिल कामती की हत्या कर भाग गया। घटना के बाद वरीय पुलिस उपाधीक्षक सोनपुर के नेतृत्व में रेल पीपी अध्यक्ष को सम्मिलित कर एक टीम गठित की गई। गठित टीम ने अनुसंधान के क्रम में मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उद्भेदन करते हुए अभियुक्त की पहचान मोहम्मद शमीम, जिसका पिता का नाम मोहम्मद मुमताज, जो कि गोपालपुर तरैरा थाना मुसहरी जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, तदोपरांत शमीम को गिरफ्तार कर लिया गया। टीवी 1 इंडिया न्यूज के लिए अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, मुजफ्फरपुर बिहार। बिहार के समस्तीपुर में विद्यापति प्रखंड के काजा संकुल में अक्षर आंचल योजना के अंतर्गत असाक्षर महिलाओं को नव साक्षर बनाने के बाद रविवार को महापरीक्षा लिया गया। इसमें महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग की महिलाएं परीक्षा में शामिल हुई। वहीं प्रधानाध्यापक राजकुमार झा ने बताया कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 360 है, जिसमें से 219 महिलाएं परीक्षार्थी भी शामिल हैं। परीक्षा केंद्र पर उपस्थित शिक्षक कमलेश कुमार, टोला सेवक मनोज कुमार मेहता और कई टोला सेवक व तालीम मरकज उपस्थित रहे। आपका शुभ नाम? मोहम्मद तनवीर आलम। ये जो अक्षर आंचल योजना का जो एग्जाम हो रहा है, इसमें क्या है? ये सरकार के द्वारा चलाई जा रही नव साक्षर महिलाओं के लिए, साक्षर के लिए जो सरकार वर्ग अक्षर आंचल योजना चला रहे हैं, जिसमें महापरीक्षा लिया जाता है। परीक्षा हो गया क्या? नहीं, परीक्षा अभी चल रही है। टीवी 1 इंडिया न्यूज के लिए रंजन शर्मा की रिपोर्ट, समस्तीपुर बिहार। बिहार के थाना क्षेत्र के मझौलिया पंचायत के वार्ड नंबर 12 निवासी फर्नीचर्स व्यवसायी अनिल शर्मा के मोबाइल नंबर पर बीती संध्या 7:51 पर एक धमकी भरा फोन आया। इस धमकी में यह बताया गया कि उसने बोला है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारी दुकान में पेट्रोल छिड़क कर आग भी लगा दूंगा। यह जानकारी प्रभारी थानाध्यक्ष उदय कुमार को दी गई। उन्होंने बताया कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दी गई है। जल्द ही धमकी देने वाला पुलिस की गिरफ्त में होगा और इस धमकी से फर्नीचर्स व्यवसायी अनिल शर्मा के पूरे परिवार सदमे में है। टीवी 1 इंडिया न्यूज के लिए श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बेतिया बिहार। बिहार के मुजफ्फरपुर के मरवन प्रखंड के बथनाराम वार्ड नंबर 1 में जल नल योजना से ग्रामीण हुए परेशान। वहीं सरकार द्वारा जल नल योजना के तहत प्रबंधक समिति के द्वारा गांव में यह योजना चलाया जा रही थी। 14,50,000 की राशि की योजना है। जल नल योजना के तहत वार्ड नंबर 1 में ग्रामीणों के लिए पानी की टंकी के साथ पाइप बिछाकर लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा है, जिसमें वार्ड नंबर 1 के ग्रामीणों का कहना है कि पाइप तो बिछा दिया है पर घटिया किस्म का है, हर जगह से पाइप लीक कर रहा है। इस योजना में लूट खसोट किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि इससे उन्हें कोई भी फायदा नहीं है। पाइप लीक रहने के कारण पानी का प्रेशर कम होता जा रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों को जितना पानी मिलना चाहिए नहीं मिल पाता, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारी को भी दी गई, लेकिन ग्रामीणों को सही पानी नहीं मिल पाने से ग्रामीणों का कहना है कि सरकार इस पर खर्च क्यों कर रही है, वह बेकार है, लीकेज के कारण पानी बर्बाद हो रहा है। वहीं ग्रामीण महिला का कहना है कि घटिया पाइप लगा है, जिससे पानी हमेशा लीक होता रहता है, दरवाजे पर पानी लग जाता है, साथ ही धान का समय है, काफी परेशानियां भी हो रही है। वार्ड सदस्य का कहना है जहां लीकेज है काम चल रहा है, वार्ड नंबर 1 बड़ा क्षेत्र है, यहां डबल टंकी की जरूरत है, एक सप्ताह में सब ठीक हो जाएगा। आपके यहां नल जल योजना लगा है, क्या दिक्कत हो रहा है आपको? दिक्कत यही है कि जो लगा पाइप था तो उसे कोई फायदा नहीं है, घटे जहां ले है, जगह जगह से पानी लीक कर रहा है। दूरा दरवाजा पर धान तान के समय है, न बोझा धरे के जगह है, न धान पीटे के समय जगह है, हमेशा दिन रात पानी लगले रहैया। कभी लड़का गिर जाइए पिछड़ के, कभी हम गिर जाए पिछड़ के। एक काम जो भले नल एक नंबर भले ना, एक नंबर कहाँ सर, दो नंबर काम है, जैसे लीक कर रहा है। हाँ, लीक कर रहा है, दिक्कत है, फायदा कहाँ है। आहां के नाम की भेल? परमिला देवी। क्या किस तरह से इसमें जो भी पाइप लगा है सब दो नंबर पाइप लगा हुआ है, जगह जगह लीकेज हो रहा है, नल का जो समस्या है, नल पूरा घूम नहीं पाता है, हम लोग को सही पानी नहीं मिलता है, सरकार इस पर पूरा खर्च कर रही है जो बिल्कुल बेकार जा रहा है जी। आज जो दशा है आप देख रहे हैं, वहाँ पर जो लीकेज कर रहा है पाइप, हर जगह है ऐसा ही लीकेज है, पानी नहीं मिल रहा है, देखिए पानी का कितना बर्बादी हो रहा है। सब दो नंबर पाइप लगा है, जितना भी सामान इसमें लगा है सब दो नंबर सामान लगा है। आज आप यहाँ बथनाराम का वार्ड नंबर 1 पंचायत है, वार्ड नंबर 1 है, माने पकड़ी पर कहीं पंचायत है, बथनाराम गाँव हुआ, वार्ड नंबर 1 में आप खड़े हैं, इसका यही दशा है जो आप देख सकते हैं। नल जल योजना फेल कर रहा है? जी जी, बिल्कुल फेल कर रहा है, बिल्कुल फेल कर रहा है। अपना परिचय दीजिए। राहुल कुमार हमारा नाम हुआ, हम यहीं के वार्ड नंबर 1 के वासी हैं। धन्यवाद। जल नल योजना का स्थिति तो यही है
कि जहाँ तहाँ आज तक के पाइप जो बिछा, हम लोग पाइप के समय भी डिमांड किए, ये लोग सबसे कचरा दो नंबर एकदम घटिया किस्म का पाइप डाला। उसके बाद जब एस्टीमेट का मांग किए, एस्टीमेट तक नहीं दिखाया गया। और जहाँ भी आज तक के लगा है पाइप, हर जगह से लीक है, पानी का कोई सुविधा नहीं है। टंकी भी जो लगाया गया है उसको जाकर के सीन आप ले लीजिएगा और देख लीजिएगा कि क्या उसमें करना है। टंकी जो इसका छत एक बार गिर चुका है, टंकी जहाँ सेट है उसका छत एक बार गिर चुका है जी। जब भी हम लोग एस्टीमेट का डिमांड किया, ये लोग गौन हो गया। तो ये तो सरकार का हम लोग यही समझ रहे हैं जो लूट खसोट का योजना है, दूसरा कुछ नहीं है। मतलब ग्रामीण को कोई फायदा, कोई फायदा इसे ग्रामीण को नहीं है। पानी मिल ही नहीं, पानी मिल ही नहीं रहा। और जो पानी भी आ रहा है इतना उसमें गंध आ रहा है, क्यों? तो ऐसे ही सरकार कह रही है जो दूषित पानी दूषित, और सरकार ही दूषित पानी सप्लाई करवा रही है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह हुआ, पकड़ीपक वही पंचायत नंबर 12 वार्ड नंबर 1 के निवासी है, मरबन प्रखंड हुआ। हम लोग एकदम बार बार कहते हैं लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं है। वीडियो स्तर तक एप्लीकेशन भी गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधक समिति के द्वारा ये हुआ है। 1450 का योजना है, हमारे यहाँ जल मीनार बन चुका है, जगह जगह पाइपलाइन वगैरह हो चुका है, पानी भी निकासी हो रहा है, लोग यूज भी कर रहे हैं इसको। कहीं तो ऐसे जगह हमको मिला है, हमने सर्वे किया है जहाँ पर की काफी लीकेज है। इसके बारे में ज्यादा ज्यादा जगह पर तो लीकेज नहीं है, लेकिन वो लीकेज जो है वो जल्द ही इसको मैंने कम्प्लीट कर लिया जाएगा और इसका मैंने निदान भी चल रहा है। बहुत ज़्यादा लेबर लोग का खट रहे हैं, ठीक, वो जल्द ही इसका निपटारा हो जाएगा। एक सप्ताह के अंदर में मैंने स्वच्छ रूप से पानी निकासी हो। ग्रामीणों को काफी तकलीफ हो रही है, दरवाजे पर पानी लग जा रहा है। हाँ, तो वो पानी निकलेगा तो थोड़ा परेशानी होगा ही, तो कहीं कहीं पे है ऐसा, थोड़ा लंबा वार्ड है, ठीक ना, और उतना दी ही नहीं गई है। हमारे यहाँ 1450 का योजना है, डबल टंकी होना चाहिए था मेरे यहाँ, डबल नल जल की व्यवस्था होनी चाहिए था मेरे यहाँ, ये दिया गया। हम कंप्लेन भी किए, इसके लिए बात भी किए पंचायत सचिव वगैरह लोगों से, ठीक, हमारे यहाँ ये होना चाहिए, हमारे यहाँ इसका काफ़ी ज़्यादा दूरी है जी, तो इसके लिए मैंने डबल होना चाहिए, डबल नल जल का योजना होना चाहिए, हमारे यहाँ डबल यूनिट होनी चाहिए जी। ठीक, ये छोटा पड़ गया लेकिन इसी में मैं प्रयास कर रहा हूँ सभी लोगों को पानी मिले, और मिल भी रहा जी। कहीं कहीं लीकेज वगैरह हो रहा है तो वो रिपेयरिंग का काम चल रहा है, और एक सप्ताह के अंदर मैं परिपूर्ण रूप से इसका मैंने निदान कर दिया जी। टीवी 1 इंडिया न्यूज के लिए परवेज आलम के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, मुजफ्फरपुर, बिहार। बिहार के नौदन प्रखंड क्षेत्र के मंगरपुर काला पंचायत के बरियापुर वार्ड नंबर 7 के महादलित बस्ती के लोग आज भी सड़क की समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन यहां के स्थानीय प्रतिनिधि एवं पदाधिकारी नजर नहीं आया। वहीं रविवार को सभी महादलित बस्ती के लोगों ने सरकार एवं प्रतिनिधि के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर दुख जताया। साथ ही प्रदर्शन कर रहे महादलित बस्ती के ग्रामीण मंटू कुमार, रामचेतन, राम दिनेश कुमार महतो, राजदेव मुखिया, दीपू कुमार, नथनी राम, दशरथ मुखिया एवं वार्ड सदस्य सुरेंद्र बैठा ने बताया कि हमारा गाँव महादलित है, जिसका सड़क मुख्य हाईवे बेतिया को गोपालगंज को जोड़ता है। बरसात के दिनों में यहां आदमी के डूबने बराबर पानी लग जाता है, जिससे ग्रामीण अपने सामान, माल मवेशी एवं गाड़ी को गोपालगंज मुख्य हाईवे के ऊपर रखकर रात भर पहरा देते हैं, और यहां के छोटे छोटे बच्चों के साथ अनहोनी का हमेशा डर बना रहता है। और उन्होंने बताया कि जिला परिषद विभाग से 100 मीटर 1000 मीटर का रोड को 300 मीटर तक यहां के स्थानीय जिला परिषद मुबीन आलम उर्फ शेख पप्पू के द्वारा बनाया गया था, लेकिन शेष बचे रोड के निर्माण नहीं होने के कारण यहाँ का आवागमन भारी समस्या झेलना पड़ता है। लेकिन शेष बचे रोड के निर्माण नहीं होने के कारण यहाँ आवागमन में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखा जाए तो यहाँ रोड नहीं होने के कारण सुदूर दियारावर्ती इलाका बरियापुर गन्ने से लदे ट्रैक्टर को निकलने में गाड़ी पलटने के साथ साथ जान का भी डर बना रहता है। मौके पर सपा प्रत्याशी उम्मीदवार अशोक ठाकुर ने लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही विभाग द्वारा इस काम को कराकर समस्याओं से निजात दिलाया जाएगा। ग्राम पंचायत राजमंगलपुर से बरियारपुर गांव नौतन खास वार्ड नंबर 7, हम सुरेंद्र बैठा वार्ड नंबर 7 से हैं। हमारे महादलित बस्ती में 1 किलोमीटर दूरी का रास्ता है, मेन रोड से जुड़ाव नहीं है, इसमें कुछ काम हुआ है, कुछ अधूरा बाकी है। टीवी 1 इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बेतिया, बिहार। बिहार के नरकटियागंज के धूमनगर चौक पे बगैर लाइसेंस के धड़ल्ले से हो रहा है ऑर्केस्ट्रा का संचालन। वहीं दूर दूर प्रदेश से लड़कियों को लेकर चलाया जा रहा है ऑर्केस्ट्रा, नहीं दी जा रही ऑर्केस्ट्रा संचालकों द्वारा मंजूरी। इसी कड़ी में हरियाणा से पहुंची लड़की ने शिकारपुर थाने में दिया आवेदन। आवेदन के उपरांत पीड़ित से ही पुलिस कर्मियों ने थाने के अंदर की मारपीट। वहीं जबरन पुलिस ने हरियाणा से आई लड़कियों को वापस भेजा। लड़की न्याय की गुहार लगाती रही लेकिन पुलिस ने अपनी जोर जबरदस्ती से लड़कियों को वापस भेज दिया। लड़की ने बताया कि बिकाऊ मुखिया धूमनगर
नगर निवासी के द्वारा ऑर्केस्ट्रा का संचालन किया जाता है और मजदूरी मांगने पर मारपीट की जाती है। इसकी शिकायत जब उसने आवेदन थाने में किया तो शिकारपुर द्वारा उसे पकड़कर उसके साथ मारपीट की गई और उसे बिना न्याय के जबरन वापस भेज दिया गया। आवेदन दी हुई थी थाने में, कल थाना में आवेदन दी हुई है। हाँ, कल मैं थाने में आई हुई थी, मैंने रिपोर्ट दी। किस मामले को लगा था थाने में आवेदन? यहाँ से मेरा सामान जाएगा था, मुख्यालय मेरे को बोला है कि सामान जाएगा यहाँ से निकालेंगे। मैंने कहा चलो, आप थाने में भी मारपीट की है? थाने में मारपीट हुई है मेरे साथ में अभी, और मेरे घराले कोई धमकाई। एसपी को फोन करा, इस वजह से ज्यादा भड़के हुए की एसपी के पास फोन क्यों करा, तो मैंने इसलिए करा क्योंकि मुझे ना नीचे उतरने दे, ना चाय पीना, पानी तक नहीं पिया मैंने अभी रात से अभी। किस मामले में आवेदन दिया? मैंने नहीं दिया था, मैं इनको लड़कियों को काम करने के लिए लेके आई थी। ये दोनों माँ बेटी के लिए लालच दे दिए, शादी करूंगा मैं तेरे से रखूंगा यहाँ पे। ये दोनों कह रही मैं नहीं जाऊंगी, अभी ये सारे पुलिस वाले भी कह रहे हैं नहीं जाना चाहती है। तो बरसात किस काम को लेके आप लाई? मैं इनको डांस पे लेके आई थी। ऑर्केस्ट्रा का संचालन कराते हैं मुखिया? हाँ मुखिया, ऑर्केस्ट्रा। क्या नाम है उनका? मेरे को मुखिया के नाम से ज्यादा बिकाऊ मुखिया बोलते हैं उसको, ठीक है। और वो यहाँ मैं दोबारा आऊंगी। कहाँ से आई हैं आप? मैं हरियाणा से आई हूँ। उसके घर में या मैं भी गरीब हूँ, वो भी है, दो पैसा ज्यादा, तो कोई दिक्कत वाली नहीं। मैं कहा छोटी लड़की इसकी, यानी कि आपने पैसा मांगा तो हथियार दिखा कर? हाँ, बंदूक दिखा के मेरा सामान फेंक दे, कह रहा चल तू यहाँ से लेकर, तेरे को काम नहीं करना, इनको मैं घर में रखूंगा। फिर मैंने बोला भाई इनको तू थोड़ी ना जानता, मैं जानती हूँ, मेरी जिम्मेदारी भाई, मैं इनको हाँसी ले जाती। मेरा नाम वैसे रचना है, पर वर्षा बोलते हैं मुझे प्यार से। मैं हाड़ी हरियाणा से हूँ, हाँसी हिसार में रहती। कितने दिन पहले यहाँ आई? मैं यहाँ 6-7 दिन हो गया, 18-19 तारीख को आई हूँ। तो मेरी गलती बताओ क्या है? मेरा घर वाला दारू पीता है। कौन बुलाया है? मुखिया बुलाया मेरे को, मेरे को रिकॉर्डिंग पड़ी है मुखिया की, मैंने ये। टीवी वार इंडिया न्यूज के लिए मंटू गुप्ता की रिपोर्ट, नरकटियागंज, बिहार। बिहार लोक सेवा आयोग 1994 में चयनित शिक्षकों का 25 वर्ष पूरा होने पर जिला मुख्यालय बेतिया में रंजित जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उस समय के नियुक्ता जिला शिक्षा अधीक्षक श्री देव सिंह सम्मानित अतिथि रहे। इसके अतिरिक्त जिला शिक्षा पदाधिकारी हरेंद्र झा, DPO स्थापना मुजफ्फरपुर अब्दुल सलाम अंसारी, DPO संजीव कुमार, भगवान ठाकुर, किरण मिश्रा सहित 1994 में नियुक्त तमाम शिक्षक प्रधानाध्यापक भी उपस्थित रहे। वहीं समारोह में आयोजक मनोज झा, अरुण वर्मा, गोविंद झा, शैलेन ठाकुर, रमा शंकर सिंह, मकसूद आलम, सचिव नागेंद्र नाथ शर्मा भी उपस्थित रहे। टीवी वार इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बेतिया, बिहार।